मुंबई आएंगे तो गेट ऑफ इंडिया के सामने तो फोटो खिंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, बहुत ही सक्सेस, वहाँ पे बहुत मजा आता है। गुड मॉर्निंग, तो आज हमारा श्रीवर्धन का जो टूर है वो कंप्लीट हो गया है और आज सैटरडे हम यहाँ से निकल करके जा रहे हैं मुंबई। देखते हैं अगर गेटवे ऑफ इंडिया देखने का समय मिलता है हमारे पास तो हम गेटवे ऑफ इंडिया विजिट करेंगे और फिर उसके बाद हमारी आज शाम की ट्रेन है मुंबई सेंट्रल से, वो ट्रेन लेकर के और पहुँचेंगे दिल्ली। तो ये था हमारा बेड एंड ब्रेकफास्ट होम स्टे, यहाँ पर बहुत ही सिंपल बहुत ही प्लेन अकोमोडेशन था यहाँ पर। तो कुछ अच्छे होटल्स भी हैं जैसे कि द सी विंड, वहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो रुक सकते हैं। अदरवाइज़ हर एक घर में होम स्टे के लिए उन्होंने बना रखा है, कमरा जो है उन्होंने निकाल रखा है, वहाँ पर भी रुक सकते हैं। हाँ अच्छा था, बढ़िया था, गर्मी तो था। या ब्रेकफास्ट चला जाए, आदो ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। यहाँ पे किया ब्रेकफास्ट कामत पर, डोसा और सांभर बड़ा। ये है थम्स अप पॉइंट, थम्स अप जैसा बना हुआ है। वहाँ ऊपर है पगोडा जो बना हुआ है, ये विपस्ना सेंटर मुंबई है यहाँ पे पनवेल में। ये आ गया सामने मुंबई सेंट्रल। ये बैग रख दिया यहाँ पर क्लॉक रूम में और ये है मुंबई सेंट्रल। ये है विक्टोरिया टर्मिनस, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, बहुत ही स्ट्रक्चर में बना हुआ, सही में बहुत मेहनत करके बनाया होगा। ये देखो सामने आ गया गेटवे ऑफ इंडिया। तो मुंबई सेंट्रल में क्लॉक रूम में बैग रखने के बाद अभी आ गए हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया। मुंबई आएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने तो फोटो खिंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ अगर हम लोग रात में आते तो और अच्छा रहता, लेकिन अभी टाइम को देखते हुए हम लोग को दिन दोपहर में एकदम बिल्कुल मिड ऑफ द डे आना हुआ। खैर कोई नहीं, ये है ताजमहल होटल। तो ये है गेटवे ऑफ इंडिया जो कि बनाया गया था किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए और उनकी रानी जब इंडिया आए थे उनके वेलकम के लिए एक गेट बनाया गया था और जो लास्ट ट्रूप था ब्रिटिशर्स का आफ्टर इंडिपेंडेंस वो इसी गेट से और इसी समुद्री रास्ते से वापस लंदन की तरफ चले गए थे। तो ये है नरीमन पॉइंट, क्वींस नेकलेस, मुंबई का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह। और अभी हम लोग लियोपोल्ड कैफे से खा पी के नरीमन पॉइंट होते हुए मरीन ड्राइव होते हुए और वापस पहुंच रहे हैं मुंबई सेंट्रल की तरफ। आ गए वापस मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन तैयार है। अभी बोगी खुली नहीं है, अगर बोगी खुल जाती है तो फिर हम लोग अंदर बैठते हैं। हेलो आदो, क्या बेटा? वो इंजन लगा रहे थे ना, बस अभी हम लोग चलेंगे इसमें डबल डेकर ट्रेन। तो चल पड़ी हमारी ट्रेन और इसी के साथ हमारा जो टूर था वो खत्म हो गया और पहुंचते हैं दिल्ली।
नंबर एक बैच सर बहुत साल लग गया है ये जैसा कि सुबह सुबह अभी सनराइज हो रहा है और हम लोग पहुंच रहे हैं मथुरा। अदु जी भी सो रहे हैं। तो पहुंचा है हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। ट्रेन टाइम से है और ये जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर एक की तरफ शायद। तो इसी के साथ खत्म हुआ हमारा ये टूर महाराष्ट्र का, जिसमें हमने श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर और दिव्यागढ़ बीच भी देखा था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर टूर रहा है ये। और अगर आप लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, अगर आप कभी महाराष्ट्र जाते हैं घूमने के लिए, तो आप श्रीवर्धन, हरिहरेश्वर और दिव्यागढ़ बीच को जरूर देखें। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नेचुरल बीच है वहाँ पे। बहुत मजा आता है वहाँ पे। मैं एक दिन गया भी था वहाँ पे, मैंने क्रैब भी देखे थे। क्रैब भी देखा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।